हर हर संभव पे आपने फतुआ जाली कर देते हो बैठ के। जब उन्होंने फतुआ जाली किया तो जितने भी एक्टर बैठे हो आप पाकिस्तान की बात तो कर लेते हो यहाँ, तो आपने एक उत्तर प्रदेश में जो हुआ तो आप नहीं कह सकते थे नहीं आपने मौलवी साहब ने बिल्कुल गलत कहा है, तो हिंदू समाज क्यों चुप रहेगा? हिंदू समाज भी अपना आगे बढ़ के कहने लगा कि हम तुम्हारी फिल्में नहीं देखेंगे, आप देख लो हिंदू समाज के मत बनाइए फिल्म, हिंदू देवता दाओ के चादर मत ओढ़िए, आप अपने समाज के बनाइए, अपने समाज को दिखाइए, हमारा समाज जो हीरो होगा एक्टर होगा हम उसके देख लेंगे। अब पैसा तो बहुत है कहाँ है, जब ख़त्म हो जाएगा तो बम्बई में कहीं फुटपाथ देख लें और क्या कहें। धमकी दीजिए कि बहिष्कार करना हो तो करते रहो, आप बनाते रहिए हम बहिष्कार करते रहेंगे। हिंदू समाज अगर नहीं देखेगा तो हम लोग भी नहीं समर्थन करते उसका। आमिर खान की फिल्म जो है लाल सिंह चड्ढा आई, उसका लोगों ने भरपूर विरोध किया। कहने का मतलब ये था कि पीके फिल्म में इन्होंने देवी देवताओं पर टिप्पणी कर दी थी, ये कहा गया कि शिवलिंग पे जो है दूध चढ़ाने से फायदा नहीं है, इसे कोई गरीब को दे दो। भगवान शंकर को जो है इस तरह से जो है बाथरूम में और दौड़ाते हुए दिखाया गया, लोग आहत हैं। हिंदू समुदाय कहता है कि हमने इसको देखना नहीं है और बड़ा बॉयकॉट बाहर पूरी की पूरी खाली जा रही है, बिल्कुल जो है फिट गई है फिल्म जो है। तो इस तरह से इन फिल्मों को जो लोग इस तरह से परोस रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरा सुझाव यह है और जो विचार है मेरा कि फिल्में तो आज से नहीं परंपरा है बन रही है और सभी समाज के लोग फिल्म बनाते थे और सब प्रेम पूर्वक देखते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब थे, उनके गाने इतने मशहूर थे कि हिंदू ही झूम जाता था, सभी उनके भजन भी उन्होंने अच्छी अच्छी गाया हुआ है, मैं सुना हूँ। और बगल एक विशेष समुदाय द्वारा अभी एक भजन निकला था हर हरे शंभू, उस पर किसी ने टिप्पणी कर दिया, विवाद पैदा किया गया, विवाद था ही नहीं, हिंदू समाज कभी ऐसा सोचा नहीं था आज तक। हर कलाकार को फिल्म देखते थे, हर कलाकार को स्वागत होता था, हर कलाकार उसे सम्मान मिलता था, बगल ये करने वाले कौन हैं? उस पर आगे आप चलोगे, आप हमको कुछ कह रहा हो तो आप तो हमें कुछ उलट के कहोगे। इन्होंने शुरुआत किया तो हिंदू समाज भी जागरूकता हो चुकी है, उनके अंदर भी ज्ञान है कि हमें क्यों कह रहे हैं भाई हर हर संभव, हर हर संभव पे आपने फतुआ जाली कर देते हो बैठ के, तो हिंदू समाज क्यों चुप रहेगा? हिंदू समाज भी अपना आगे बढ़ के कहने लगा कि हम तुम्हारी फिल्में नहीं देखेंगे, आप देख लो, आपसे अगर उनका पूरा हो जाए काम तो आप दिखवा लो, आप बना ले फिल्म तुम्हें दे दें भाई, हमारे गणेश भगवान का हो, हमारे किसी भी देवी देवता को हो, सारे फिल्म प्रोड्यूसर वही करते हैं, सब बनाते हैं, आमिर खान हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, सभी बनाते हैं और सब अच्छे एक्टर माने जाते हैं, प्रेम पूर्वक हम लोग देखते थे अच्छे। बगिल आप तो आपके ही समाज आगे बढ़ के सब कुछ करने के लिए तैयार है तो पीछे वाला समाज क्या करेगा? तब हिंदू समाज के लिए बचा क्या है? अगर कुछ बोलेगा नहीं, आप कुछ बदुआ जालू करोगे, काल कुछ और कहोगे तो स्वाभाविक है, अगर हिंदू समाज जगा है, आगे आया है तो उनका भी कहना सही है अपनी जगह पर कि आप मत बनाइए फिल्म, हिंदू समाज के मत बनाइए फिल्म, हिंदू देवता दाओ के चादर मत ओढ़िए, आप अपने समाज के बनाइए, अपने समाज को दिखाइए, हमारा समाज जो हीरो होगा एक्टर होगा हम उसके देख लेंगे। तो ये गलत है, वो जितने भी एक्टर हैं जो भी है, मैं देखता हूँ टीवी लगातार, जो ही हमारे उत्तर प्रदेश में एक लेडीज थे, हालांकि उसका गाना नहीं था, अभी आप लोगों को भी मालूम हो गया होगा गाना किसी और का था, वो एक लड़की है कहाँ का, वो शर्मा है, उसने गाना गाया था, उसको हैक करके इसने चला दिया अपना गाना, ठीक है जैसे भी चलाया, वो गाना बड़ा प्रसिद्ध हुआ, लोग पसंद करने लगे, काफ़ी उसको लाइव मिलने लगी। जब उन्होंने फतुआ जाली किया तो जितने भी एक्टर बैठे हो आप पाकिस्तान की बात तो कर लेते हो यहाँ, तो आपने एक उत्तर प्रदेश में जो हुआ तो आप नहीं कह सकते थे नहीं आपने मौलवी साहब ने बिल्कुल गलत कहा है, जो कहा है आपने ये हमारे कलाकार के ऊपर चोट मारा है, आपको कहना चाहिए। अगर ऐसा वो बोलते तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई बायकॉट होता, क्योंकि लोगों के अंदर एक संतुष्टि आ जाती है, नहीं भाई कोई उठ के बोला सही, आप लोग चुप मार के बैठे हो, कोई कुछ कर रहा देश में आके आप चुप मार के बैठे हो, तो आपकी जो चुप्पी है ये आपको नुकसानदायक हो गई। तो लोगों का ये भी गुस्सा है कि देखिए इन कलाकारों को हमने जो है बिना भेदभाव किए हुए इनकी फिल्मों को बढ़ाया, देखा चाव से देखा, लोगों में ये भी गुस्सा है कि आमिर खान बोलते हैं कि मेरी पत्नी कह रही है कि यहाँ ये देश रहने लायक नहीं, मुझे यहाँ डर लग रहा है, तो क्या डर लग रहा है यहाँ पे आखिर में, ये देश जो असहिष्णु हो गया है? कोई डर नहीं है, अब उनके विचार की अपनी बातें हैं, जब जहाँ से खा रहे हो, जहाँ कमा रहे हो, जहाँ से ऐश कर रहे हो, हवाई जहाज बोल रहे हो, यहीं से निकल गए आप, दिल्ली से कहाँ पहुँच गए, पहुँचाने वाला कौन है, समाज सभी पहुँचाते हैं,
तो ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए। प्रेम भक्ति है आपको तो अब आइए जाइए, आपके लिए छूट है, कलाकारों के लिए तो कोई रोक है ही नहीं है। बगल ऐसी भाषाएं बैठ के स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए किसी के सामने ताकि प्रसिद्ध हो जाए वो, इसमें तो सभी को आहत पहुंचती है। क्या आप ये कहोगे कि हम इस तरह यहाँ इस देश में रह के हमें सांस लेना मुश्किल है, ये तो अच्छी बात नहीं है, नहीं कहना चाहिए। एक कलाकार को इस ढंग से बातें नहीं करना चाहिए, उसके एक समान देखना चाहिए, जैसे सब देखते आए हैं तुम्हारी फिल्म को, इसी ढंग से आपको व्यवहार करना चाहिए। और नहीं करोगे तो उसका नतीजा बुरा मिला, अब आप देखिए क्या होगा। शाहरुख खान भी इस तरह की बातें करते हैं और अब उनकी फिल्म जो है पठान जो जनवरी में आ रही है, लोग कह रहे हैं हम उसका भी बाइकआउट करेंगे, क्या आप भी बाइकआउट करेंगे इस तरह? हम तो देखते नहीं जी, 60-65 साल की उम्र हो गई, हम तो फिल्म देखे कई साल हो गया, टीवी पे आती है देखता हूँ। फिर भी अगर लोगों का गुस्सा है इस बात को, जो इस तरह की दोगली बात करते हैं इतना सम्मान मिलने के बाद में देश के अंदर, मैं अपने समाज के साथ हूँ, अगर हमारा समाज बहस्कार करता है तो मैं उसके खिलाफ थोड़ी हूँ, मैं साथ रहूँगा। अगर समाज का ताक नहीं देखना है तो नहीं देखना है। अच्छा, करीना कपूर खान भी इस जो है लाल सिंह चड्ढा में थी, करीना कपूर खान का ये कहना है कि भाई देखो हमने तो फिल्म बनाई है, अगर तुम्हें देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो ये इतना हो हल्ला क्या है कि बाइकआउट मत देखो। अब जब फिल्म पिट गई तो अब रो रही हैं कि भाई हमारी फिल्म देखो, हमारा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, वही आमिर खान का कहना था। क्या कहेंगे ऐसे कलाकार? नहीं कहेंगे क्या, पैसा तो बहुत है कहाँ है, जब ख़त्म हो जाएगा तो बम्बई में कहीं फुटपाथ देख लें और क्या कहें। बाजार तो बहुत बड़ी है, बिजनेस तो हर आदमी कर रहा है, रिक्शा रक्शा चला रहा, पेड़ तो सभी भर रहे हैं। जब आपके पास दौलत ख़त्म हो जाए तो आप वो कर लेना फिर। सबसे बड़ी बात है कि जब ये जो है ना पूरा सोशल मीडिया पे भी ट्रोल कर रहा था कि बाइकआउट, तो अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू चर्चित कलाकार हैं, प्रसिद्ध कलाकार हैं, और हमेशा जो है सेकुलर की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, और वो भी कह रहे थे यार ये जो है बार बार जो है ना ये बॉयकॉट कर रहा, अब हमारी फिल्म भी दोबारा आने वाली है और हमारी फिल्म का भी ज़रूर बॉयकॉट करना। और हुआ भी ऐसे, अभी जो फिल्म रिलीज हुई है और तो वो भी अभी जो मक्खियाँ मार रही हैं, कुछ पूरा बॉयकॉट हो गया। तो अब बॉयकॉट ही है, वो कहते रहे ऐसे बॉयकॉट है ही है, ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू धर्म की यहाँ उथाह चलती है, हिंदू ही चाहेंगे तो रोटी मिलेगी, बगिया तुम जिस समाज से बोलना चाह रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ऐसे घूमते रह जाओगे, बनाते रहो फिल्म से पुजट हो जाए, कितने बनाओगे, एक नहीं चली दूसरी बनाओगे, दूसरी नहीं चली तीसरी में भट्टा बैठ जाएगा तुम्हारा अपने आप ही। जब आपकी भाषा ऐसी है, मैं आपसे क्या बोला कि इससे पहले किसी ने आगे ऐसा जब कोई एक आदमी कहीं से कुछ कह रहा है तो उस पर हर आदमी को बोलना चाहिए, आप वहाँ चुप्पी थाम लेते हो। अब आप फिर उल्टा आगे यहाँ कह रहे हो कि कितना करेंगे बहस्कार, तो ठीक है आप बनाते रहिए, बहस्कार करने वाले कर रहे हैं। आमिर खान एक बार टर्की गए थे, टर्की वो देश है जो पाकिस्तान का साथ देता है और आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, ये वहाँ जा करके और भी वहाँ के जो है राष्ट्रपति की पत्नी से मिले हैं। लोगों को ये भी गुस्सा है कि आमिर खान न तो कोई नेता है, अभिनेता है, कोई राजनीति से कोई लेना देना, लेकिन ऐसे लोगों के साथ क्यों मिलता है जो हमारे देश के लिए जहर उगलते हैं, ये भी लोगों में गुस्सा है। तो आपको क्या लगता है क्या कहना है? कुछ दिन रहेंगे चले जाएंगे, अपने आप ही चले जाएंगे, जहाँ से ज़्यादा रिश्ता है अपने आप चले जाएंगे। जब यहाँ कुछ रह ही नहीं जाएगा, बता दे रहा हूँ कितनी बार बनाओगे आप, 100 करोड़, 200 करोड़, 150 करोड़ लगा के बनाओगे, 50 करोड़ भी नहीं कमा पाओगे, भट्टा बैठ जाएगा डायरेक्टर साहब पर, तुम्हें भेज देंगे कहीं भैया जाओ और हीरो हीरोइन हेल लेंगे। बस यही संदेश है हमारा, जैसी करनी तैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। आप हिंदू समाज को आहत करना अगर चाहोगे तो ऐसा होगा नहीं, ना हुआ है ना होगा, तो जैसा किए हो सब भुगतो। लोगों साउथ की फिल्म बनाइए 150 करोड़ लगा के और बनाइए, और धमकी दीजिए कि बहिष्कार करना हो तो करते रहो, आप बनाते रहिए, हम बहिष्कार करते रहेंगे। हिंदू समाज अगर नहीं देखेगा तो हम लोग भी नहीं समर्थन करते उसका, जो करता हो जाके देखें।